यही वो दरवाजा है जिससे को कार्तिक शर्मा वैक्सीनेशन करा के आए थे। कैसे रहा वो सिस्टमैटिक था? कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं यार, अभी तक तो नहीं। उस दिन तो ही वॉज नॉर्मल है ना, उसके बाद नेक्स्ट डे नाउ कार्तिक कैसे चल रहा है? कुछ हटना यार, अरे हटना यार, अरे हटे। कार्तिक बुखार है? मुझे लग रहा है जिस तरीके से चल रहा है सबको, उसको एक टेबल साफ करनी है। It was not like that। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने पूछा कार्तिक बुखार है? It was not like that। नहीं बुखार तो नहीं है। मैं कहा स्टिफनेस है? नहीं स्टिफनेस भी नहीं। तो कहा मुंह में थोड़ी इंजेक्शन लगा है तुम्हारे मुंह से, यूं होते धीरे बोल रहा है। मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड का फोन आ गया, वो तुमने वो ऑफिस में तुम्हें गप्पे मारने थे उसके साथ। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ योर कलीग इन ब्लॉग, पर तुमने गप्पे जो मारे हैं 20 मिनट फुल रेंज में, तब तुम्हारी एनर्जी सेव नहीं हुई। उसमें चलना फिरना नहीं था ना, उसमें चलना फिरना नहीं था ना, चलने फिरने में एनर्जी वेस्ट होती है। लिटरली ऐसे कर रहे थे जैसे मैं तुम्हें ना कि आज मैं प्रेगनेंसी कर रही हूं एंड डॉक्टर लाइक यू हैव टू वॉक वेरी स्लोली, आराम से उठना है, झटके से निकल कर दे। मतलब ऐसे लग रहा था मुंह में लगा इंजेक्शन या पैर में लगा, हाथ का तो कुछ था ही नहीं। पी लेंगे कच्ची थोड़ी ना खा लेंगे, मेरे तो पेट है। तो हो हमने पक गई ना, मैं तो इन्फेक्शन है ना पेट में, इन्फेक्शन वाले लोग मैगी खाते हैं यार। देख मेरा सिर्फ एक फंडा है लाइफ में, ओहो मेरा बहुत टाइम से मन है मैगी खाने का। अच्छा तुमने स्टॉक क्यों भरा? और स्टॉक दिखाओ दोस्तों मैगी का, हम बेच रहे हैं, ले लो ले लो, ये देखो ये सब 25-30 पैकेट मैगी वैगी के रखे हम बेच रहे हैं। आप लोगों को चाहिए मैगी वैगी ले लो, हम जाके बेच देंगे। हम 10 की मिलती है, 10 की मिलती है, 20 की मिलती है, 10 की मिलती है 5 देंगे ले लो हमसे। मेरा ये कब मरवर गई तो मैं तो भैया ऐसी रह जाऊंगी, मैं तो आत्मा की मैगी खानी थी, मैगी नहीं खाई। ये मेरा एक फंडा करके नहीं, ये रोज के एक एक फंडे करके महीने के 30 फंडे बनाती है। खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बाद में खा लेंगे। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो मैगी खाते मिलते हैं आप लोगों से, भूख लग रही है अभी। मैगी और रैप खा के इतना घेल चढ़ा था ना कि हम लोग सो गए, तीनों सो गए और काफी लेट उठे हैं। केशु आ गए जहाँ कैमरा। हाँ ये सेल्फ एक्सेलेंट डब्बा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सक्यूज मी हेलो, ही इज गिविंग मी डेफ ईयर्स। बहरा हो चुका है बिल्कुल, जब उसको पता है कि वो कुछ कांड करने वाला है और मैं उसे रोकने वाली हूँ ना, तो वो देखो उसको वो नहीं खोलना है बिल्कुल भी। सुनो वो नहीं खोलना है केशु, वो नहीं खोलना बेटा। मैं थोड़ी देर पहले सो के उठे, मतलब सो के थोड़ी देर टाइम हो गया, हम लोग 2:30 बजे सो के उठे, खाना भी आज काफी लेट हो गया। और अभी कार्तिक इज मेकिंग चाय, तो थोड़ा सा आधा कप चाय पियेंगे, बिकॉज पता नहीं है मुझे लगता है चाय पी के ना ऐसे एनर्जी सी आ जाती है मेरे अंदर, तो चाय या कॉफी कुछ भी, बट चाय पी के स्पेशली मुझे लगता है मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, और फिर वो मैं रात तक आराम से खींच लेती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, आपको मैं दिखाती हूँ बाहर, बहुत तेज धूप है, अच्छी खासी धूप है बाहर। ओ बाप रे, कुछ भपक रहा है, गर्म हो रखा है, आप ये देखो बाहर धूप हो रखी है। और यहाँ मतलब बालकनी में बैठ नहीं सकती, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो अंदर ही चलते हैं, बहुत गर्मी। केशु आजा, आओ, गर्मी गर्मी हो रही है बेटा, बेटा गर्मी गर्मी हो रही है, चलो आ जल्दी आओ केशु आजा। ये नहीं नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं, कम ऑन जल्दी आओ। तो फटाफट चाय वाय पी लूं, चाय वाय यार मैं सोची हूँ चाय वाय पी के कपड़े उतार के प्रेस करूं, या अभी कपड़े एक काम करती हूँ कपड़े सूख गए कपड़े उतार लेती हूँ फिर वो प्रेस करके भी रखने, स्पेशली केशु के कपड़े तो डेली प्रेस होते हैं। सो काफी सारी सब्जी बच गई है, कार्तिक सिंह उसी से खा लेंगे, लेकिन केशु के साथ थोड़ा अत्याचार हो जाएगा क्योंकि केशु ने सुबह उसी से पराठा खाए हैं, दोपहर में भी उसी से पराठा खाए हैं, और अभी शाम में उसको दे देंगे ना, तो पता नहीं मतलब वो कहेगा ये क्या है, मतलब ज्यादा अत्याचार हो जाएगा बच्चे के साथ। तो थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ पहले, फिर आपसे चाय पे मिलती हूँ। फैमिली मैन देख ली क्या? प्राइम पे आ चुकी है, मैंने नहीं देखी है, होपफुली शायद आज देखे या फिर देख लेंगे, मतलब अपने घर में ही है, कहीं जाना तो है नहीं पर देखनी है। और नेटफ्लिक्स पे ना एक वेब सीरीज है, 5-6 महीने हो गए उसको आई, मिसमैच करके उसमें प्राजक्ता कोहली, रोहित सरा, रणविजय वगैरह है, एंड इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। उसका जो एंड है ना वो
ऐसा किया है ना उन्होंने एंड क्या, अपना सर पकड़ लोगे कि ये क्या हुआ। थैंकफुली उन्होंने एंड में ये भी कह दिया कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीजन 2 इज कमिंग। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो किया हुआ है एंड अभी रिसेंटली उन्होंने फोटो डाली थी, उसमें लिखा था कि मिसमैच सीजन 2 फोटो, मिसमैच सीजन 2 शूटिंग हैज बिगन। तो अगर शूटिंग शुरू हो चुकी है तो सीजन 2 आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ये देखो क्या कर रहा है केशु, कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी। अच्छा केशु को ना एक चीज समझ में आ गई है कि जहां वो नहीं चढ़ सकता वहां वो मुड्डा लेकर के जाता है, उस पे चढ़ता है और फिर चीजों तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो गया, वो बाथरूम के सिंक तक पे चढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो मोर रिस्की बिकॉज अगर वो किसी दिन भी गिरा ना तो उसके बहुत बहुत चोट आएगी। तो वो अब हमने सोचा है कि हम जब व्हेन वी आर नॉट अराउंड तो हम अपना बाथरूम में लॉक लगा के रखेंगे। यस आप सही सुन रहे हैं, हम अपने बाथरूम में लॉक लगा के रखेंगे। क्या कह रहे, जिनके पास केशु जैसे बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ता है। आपने देखा इसे ऋषि मुनि की तरह मेरी तीन वो पड़ रही हैं लकीरें। अभी कार्तिक को दे, कार्तिक देख दी चीज दिखाओ फटाफट जल्दी आओ, एक चीज दिखाऊंगी देख। अब मैं ऐसे करूंगा तो जैसे ऋषि मुनि की तीन लकीरें नहीं पड़ती थी वो पड़े, देख मेरे मुझे नहीं दिख रही। अरे मैंने अभी देख 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 देख, देख। नहीं नहीं हो रही, कभी मेरी तारीफ नहीं करती। ये तारीफ की बात थोड़ी है, तारीफ तो ये है कि तू बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, ये है तारीफ की बात। मतलब तारीफ नहीं करो तो बिल्कुल मत, करो तो इतनी फेक कर दो कि अगले इंसान को ये भी पता चले कि फेक है। ये बात तो मैं रोज बोलता हूं। तुम करने की बात करना, तुम करना, तुम्हारी पड़ती है क्या, तुम करने में वो तुम्हारी पड़ रही है भाई, करना रुक गया कैसे बोलते हैं कार्तिक, यहाँ पे किम लगा दो, खाना दे दो, पानी पी लो। क्या चाहिए, एक चीज दे दो। ओ भाई चाय क्या भर के बनाई है कार्तिक तुमने, और ये मेरा फैन है, आप भी खाओ। ये फैन बहुत अच्छे, इसमें अजवाइन पड़ा हुआ है। कार्तिक तुम चाय बहुत अच्छी बनाने लग गए हो, पता है बहुत अच्छी बनाने लग गए हो, बहुत सारी बहुत। सुन लिया इसने, सुन लिया इसने, पर इसको वापस से सुनना है। बता मैंने क्या बोला, चाय बहुत अच्छी है, चाय लिए घूम रहा अपनी, क्या दे दू करो इसे, डार्क फैंटेसी चॉकलेट दे दो। देखो कहानी चॉकलेट बिस्कुट, दो तीन दिन से बहुत चॉकलेट खा रहे हैं, बाल मुझे बाल 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 खा रहे हैं। आए हाय छी, धीरे धीरे खाना समझे, ये की बहुत हैवी है, चॉकलेट से तो बेटर है काटते ही है। नहीं क्यों, एक ही बात बराबर डार्क, ये बिस्किट चॉकलेट से तो बेटर है, नहीं है कैसे, एक ही बात बराबर बराबर कैसे, हाउ टेल मी एक्सप्लेन। Chocolate is just cocoa, this is emulsifier and मतलब मैदा and what not। तो तुमने emulsifier मेरे पेट के चक्कर में एक शब्द पकड़ लिया है, हाँ। गूगल पे तुमने पढ़ लिया है, तुझे ना जिन जिन चीजों में emulsifier होता है ना, अब this is emulsifier, that is just cocoa। आज गए रात के 10, हमने खाना वाना खा लिया है, मैंने अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मेरी और ये हालत टाइट, तो मैं तो सो जाऊंगी बिकॉज मुझे कल अर्ली मॉर्निंग उठना है वर्कआउट के लिए। तो आई विल स्लीप नाउ, तो मैं आपको मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो
और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से रहो, मजे में रहो, अपना ध्यान रखो, मास्क लगाओ, बाहर मत जाओ। लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि सरकार को इकोनॉमी चलानी है ना, सरकार को इकोनॉमी चलानी है। वो कहना चलाएंगे कि पूरा देश हर समय बंद रहेगा, लेकिन अब अपने भी तो बुद्धि लगाओ ना आप प्लीज। जब तक नेसेसरी ना हो अपने आप को अभी भी घर में रखिए फॉर सम मोर डेज। देखिए अभी केसेस, क्योंकि अभी भी 1,32,000-1,35,000 केसेस आ रहे हैं जो कि कम नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी भी घर में रहिए एसेंशियल्स के लिए। बाहर निकलिए कितना हो सकता है, होम डिलीवरी कराए, पर प्लीज घर में रहिए। ठीक है, आपको जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कार्तिक तुम क्या वो बना रहे हो क्या?